दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं। तो आज का ये वीडियो आईटी वालों के लिए होने वाला है। जी हां, आईटी वालों के लिए स्पेशली होने वाला है। एमबीए आईटी जिसने चूज करा है, बीबीए आईटी कर रहा है, बीसीए, पीजीडीसीएम या यूजीसी नेट आईटी ब्रांच से उसने फिलअप किया है, एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक और मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट और आपकी सबका ऑन डिमांड वीडियो कि AI एंड मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस जो सब्जेक्ट है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए। हमारी कोशिश जल्द से जल्द इसकी पांचवी यूनिट अपलोड करने की है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, क्या सब्जेक्ट है, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है और MBA के रिलेवेंट या स्पेशली MBA के रिलेवेंट ये सब्जेक्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट जो था वो अभी अभी रिलेवेंट कोर्स फील्ड में जोड़ा गया है। बीटेक भी इसमें शुरू हो गया है, बीसीए भी इसमें शुरू हो गया है, मीन्स के एक नई ब्रांच है। तो पहली बात कि हमको एमबीए के अंदर कितना कवर अप करना है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक बस है, ठीक है। बहुत छोटे से आपको एग्जाम्पल से बस एक बार में मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट कितना डीपली पढ़ना है। तो मान लेते हैं एक बस है, अगर मेरे को ये बस का टॉपिक आपको पढ़ाना है, अगर मेरे को ये पढ़ाना है तो मैकेनिकल जब इंजीनियर्स को मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बर्ड्स के पार्ट्स के बारे में यानी हार्डवेयर का नॉलेज भी दिया जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग का नॉलेज भी उनको होना चाहिए ताकि वो हार्डवेयर को ज्यादा स्मूथली फंक्शन में कर सके, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हार्डवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए बस में और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। उसके माइलेज की भी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, इंजन की भी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, टायर्स की भी लोड बेयरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें उनको ईच एंड एवरीथिंग पैरामीटर उनको पता होना चाहिए, कब, जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को पढ़ा रहा हूं। लेकिन यदि यही ब्रांच सब्जेक्ट एमबीए को पढ़ा दिया जाए तो इससे प्रॉफिट कैसे बनाया जाए और इसका यूटिलाइजेशन क्या है वो सीखना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट डिफरेंस। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसके अंदर जो कोडिंग का पार्ट है, जो C++, .NET, Java, PHP लैंग्वेजेस का पार्ट है, जो हमारा वर्डप्रेस का पार्ट है, वो इसके अंदर थोड़ा कम है। और इसके अंदर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यानी कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, मशीन लर्निंग आया कहां से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये सारी पर्टिकुलर थिंग एमबीए के आईटी वाले बच्चों को सिखाई जाती है, जिससे वो इसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये। क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर पा रहा है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम दे पा रहा है। ChatGPT नाम तो आपने सबने सुन ही लिया होगा, ChatGPT ने ऑनलाइन एग्जाम भी दे पा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, ठीक है। अब और क्या कर पा रहा है, किसी भी फोटो से रिमूवेशन हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड का रिमूव कर पा रहा है, किसी फोटो को रिसाइज कर पा रहा है, जो हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे रहे हैं उस फोटो को वो चेंज करके दे पा रहा है हमको, मींस के उसकी फोटो बना के दे पा रहा है, हमारे विजुअलाइजेशन को अलग लेवल पे ले गया है। DNA के जो कॉम्बिनेशन जो साइंटिस्ट को ढूंढने में पूरी एक PhD लग जाती थी, मतलब 5 साल में एक वो सिंक्रोनाइजेशन उसका पता कर पाते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने 10,000 एक ही दिन के अंदर पता कर लिए, एक ही दिन के अंदर। तो एक एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है, एक एडवांस पैरामीटर का सब्जेक्ट है, लेकिन अपन को इससे घबराने की जरूरत नहीं, इससे प्यार करने की जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन यह सब्जेक्ट एमबीए में बेसिक लेवल पे है। किस लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है ये सब्जेक्ट। जब तक हम एमबीए में बेसिक लेवल पे इसको कंप्लीट करेंगे तब जाके नेक्स्ट में हम इसको एडवांस लेवल पे आएंगे, मींस के कोडिंग वगैरह ये जितने भी पार्ट है अभी इसके ये बेसिक लेवल पे बताए गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये है कंसेप्ट। इस पांचों यूनिट को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल तक पढ़ने वाला, तो आप केवल बेसिक पर। बेसिक में हम क्या देखेंगे, इसका हिस्ट्री, इसके एडवांटेजेस, इसके कंसेप्ट, इसकी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का हम कह सकते हो कि इसकी शब्दावली, जिसके अंदर कौन सी बातें क्या कही जाती है, नेटवर्क क्या होता है, नोड क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अब आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब पहला टॉपिक क्या कहता है, पहला टॉपिक कहता है इंट्रोडक्शन एंड डेटा सोर्सेज ऑफ फॉर AI। अब AI क्या है, AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बेसिक AI का मतलब क्या होता है। अच्छा, जो मशीन लर्निंग थी उसी का एडवांस रूप जाके AI का आज बन गया है। अब AI क्या है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, ह्यूमन
इंटेलिजेंस, ठीक है, एक एनिमल इंटेलिजेंस होती है, ठीक। अब ये इंटेलिजेंस होती है इसका मतलब उनको सीखने की, उस पर रिएक्ट करने की काबिलियत। जैसे कि एक बच्चे को एक बार सिखा दिया जाए ये मार्कर है, ये ब्लैक कलर का मार्कर है, तो अगली बार वो उसको रिकॉग्नाइज तो कर ही लेगा। तो ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ? नहीं, इसको रिकॉग्नाइज करने पे अलावा उससे जस्ट विजुलाइज किया जाए कि मार्कर किस कैटेगरी का होगा, मार्कर की ड्राइंग बना के बताओ, तो मार्कर की ड्राइंग बना के बताया एक छोटे बच्चे ने, क्योंकि उसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस पावर है। मींस के प्री डेटा के ऊपर हम खुद सेल्फ अगर कोई डिसीजन ले पाते हैं तो वो इंटेलिजेंस ही कहलाती है। एनिमल का भी ऐसे ही होता है। आप चूहे का देखिए, चूहा भी कितना इंटेलिजेंट होता है। एक बार आपको पता चल गया कि यहाँ पर छेद है, यहाँ से वो बिल से आना है, उसको वो अपने तरफ से फाइंड आउट कर लेगा। सबसे ज्यादा एनिमल कौवे में भी बोला जाता है, बर्ड में के कौवे आ गए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जिसमें ह्यूमन माइंड की अगर बात की जाए, डेवलप्ड माइंड की बात की जाए तो एलिफेंट, और अगर सी में मरीन में बात की जाए तो डॉल्फिन के बारे में हम सब जानते हैं। यानी कि इनके अंदर जो होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह आईक्यू लेवल हाई होता है। यहीं पे आईक्यू लेवल की ही बात की गई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन को यानी कंप्यूटर को डेवलप्ड करना, सोचने के लिए एनालिटिकल स्किल उसके अंदर डेवलप्ड करना। मींस के वो खुद सॉल्यूशन बोले। आज अपन एक्सेल चलाते हो, आप एक्सेल चलाते हो, वर्ड चलाते हो, पावर पॉइंट चलाते हो, जो कमांड आपके द्वारा दी जाती है, जो कमांड आपके द्वारा दी जाती है उसी कमांड का वो रिजल्ट बताता है, हाँ या ना? लेकिन जब हम एआई में खड़े होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो कमांड आपके द्वारा हो जाती है तो रिजल्ट वो उसके अकॉर्डिंग बता सकता है। काफी मतलब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि वो ऐसे रिजल्ट बताता है जो हमारी कल्पना से भी परे है, ठीक है। मींस कि वो जो सोचने की उसकी कैलकुलेशन की स्पीड है वो आज इतनी डेवलप्ड हो गई है, जैसे कि कितने ही एआई के टूल लेते हैं जो हमारे यहाँ पे आप कॉलेज में पीएचडी स्कॉलर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जस्ट राइट डाउन अ रिसर्च पेपर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो एक यूनिक रिसर्च पेपर बना के दे देगा। जस्ट राइट डाउन अ ईमेल टू योर बॉस दैट आई वांट टू लीव। जस्ट राइट डाउन योर टीचर दैट सर कोई प्रोजेक्ट दिया आपको टीचर ने, आपको केवल प्रोजेक्ट का टाइटल डाल देना है, वो खुद का खुद 5-10 पेज यूनिक क्रिएट करके दे देगा। दैट इज द पावर ऑफ एआई। एआई का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंट डेमोंस्ट्रेशन ऑफ मशीन एज अपोज्ड टू द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। नेचुरल नहीं होता है, ये मैन मेड होता है। मींस कि उनके साथ ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन किया गया है कि वो खुद अपना वे ढूंढ पाते हैं, ठीक है। मींस के जिसने बनाया है उसको भी नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। एक्सेल में तो अपन को पता है कि ये फॉर्मूला डालोगे तो ये एंड रिजल्ट आएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबसूरती ये है कि उस जिसने डेवलप करा है वो भी नहीं जानता कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा अगर स्पेसिफिक अलग काइंड की क्वेरी की गई तो। डिफाइन द इंटेलिजेंट एजेंट। एनी सिस्टम दैट प्रिसीव्स एनवायरमेंट एंड टेक एक्शंस दैट मैक्सिमाइज इट्स चांस टू अचीविंग इट्स गोल। सम पॉपुलर अकाउंट यूज टू टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिस्क्राइब मशीन्स एज मिमिक, ठीक है। अब इसमें मशीन को हम सिखा रहे हैं कि उसको सीखना कैसे है। देखिए, मशीन को जब हम लर्निंग कैपेसिटी डेवलप करते हैं तो वही कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेड एज द एकेडमिक डिसिप्लिन 1956, 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो गई थी। आज 21वीं सदी में 2023 में मैं बोल रहा हूं आपसे, 1956 में एआई की शुरुआत हो गई थी। लेकिन उस समय एक ऐसा समय आया जब इसकी फंडिंग बंद हो गई। फंडिंग बंद होने के कारण, क्योंकि लोग इससे पहले डर गए थे कि अगर मशीनों को ने पूरा ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर कैप्चर कर लिया, तो जैसे रोबोट पिक्चर आई थी एक, है ना, जिसके अंदर मशीन ने पूरा डेवलप कर लिया था। एक तो इंडियन भी रोबोट आई थी, हॉलीवुड की भी आई थी, और एक बॉलीवुड की भी आई थी जो रजनीकांत साहब की पिक्चर थी, ठीक है, जिसके अंदर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि 1956 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी फंडिंग रोक दी गई, और उस फंडिंग के टाइम को एआई विंटर टाइम बोला गया। आपको इतनी बात समझ में आई? और 21st सेंचुरी के बाद, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स के बाद ये फिर से शुरू हुआ एआई। और जैसे ही शुरू हुआ, अब इसमें काफी ज्यादा कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, और एक न्यू एडेप्टिव थिंग्स है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी भी खोजना बाकी है। और अगर ह्यूमन माइंड से उनको एक्सप्लोर करने जाओगे तो आने वाली कितनी सदियां लग सकती है। गेटिंग माय पॉइंट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है। अगला देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों करा जाता है।
सबसे पहले कि रेप्लिकेट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, रेप्लिकेट यानी प्रतिरूपी होती है, भगवान तो नहीं है अपन लेकिन प्रतिरूपी बना रहे, जैसे कि फोटो हमने बनाई, भगवान ने हमें बनाया हमने फोटो बनाई, तो इसी तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस की प्रतिरूपी के ह्यूमन न्यूरो सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे काम करता है आपस में काफी क्लस्टर काम करता है। आपने ह्यूमन न्यूरो सिस्टम देखा एक बार, अगर हाथ पे आप ऐसे टच करोगे तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी इसको कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके माइंड को पता चल जाएगा कि यहां पर कुछ टच हुआ है, यानी जब ये टच की जो सेंसिटिविटी है ये आपको तुरंत पता चल जाती है, इसमें आधा घंटा एक घंटा ऐसा नहीं लगता। तो इसी माइंड को इसमें, अब ये 10 लाख की तरह मेरे हाथ की मुद्राएं जो है, मीन्स के जो कंपोजिशन है मेरे हाथ के, ये 10 लाख काइंड की वेराइटी में हाथ मूव कर लेता है, इसीलिए वो रोबोट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब ये कोशिश कर रहा है कि ये मूव कैसे कर पा रहा है, कैसे साइबेरियन एक बर्ड है वो इंडिया में आती है विंटर के टाइम पे, ठीक है, और वापस चली जाती है इंडिया से 40,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके, माइल्स का सॉरी 40,000 माइल्स का रास्ता तय करके वो साइबेरिया से इंडिया आती है और इंडिया से वापस सर्दियों के बाद वहां चली जाती है। बताओ क्यों आती है, और यहां पर आने के बाद उसको वापस से रास्ता याद रहता है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बर्ड के माइंड में है और हमारे जितने रिच एरोप्लेन है उनके माइंड में नहीं है, क्योंकि ना उनके पास कोई नेविगेशन सिस्टम है, ना सी के अंदर कोई नेविगेशन रास्ता पता कर लेते हैं कि वो यहां से, ये कुछ रिमेंबर पावर होगी, रिमेंबर पावर हो नहीं सकती क्योंकि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन कभी भी रिमेंबर पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि ह्यूमन के अंदर हो नहीं पाती। आज मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी रिमेंबरिंग की पावर जो मैंने याद किया है वो मैं उनको ट्रांसफर नहीं कर सकता, नहीं मेरे पिताजी मुझे कर पाए थे, ठीक है। तो दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस की रेप्लिका होती है, ठीक है। सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, इनका मेन आइडिया क्या होता है, गोल क्या होता है, इंटेंसिव टास्क को सॉल्व करना जो ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है, इसलिए हमने AI को डेवलप कर रहे हैं। एन इंटेलिजेंस कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड द एक्शन, ठीक है, क्या होने वाला था और क्या होता है, इसके अंदर मार्वल्स की मूवी बनी एंड में वो खोज लेते हैं इधर से उधर जाने वाला कि एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स के अंदर जाना, काफी फैसिनेटिंग मूवी है। लेकिन कुल मिला के आर्टिफिशियल्स के बेसिक गोल है कि जो ह्यूमन के बियॉन्ड लिमिट है उनको एक्सप्लोर करना, उनके ऊपर जाना, इंटेंसिव टास्क। क्लियर हो रहा होगा ना, बहुत ही बेसिक थ्योरी में अपन क्लियर कर रहे हैं, आई होप इससे ज्यादा आपको थ्योरी खुद भी आती हो, नहीं आती हो तो मैंने बेसिक मतलब बता दिया। अब इसकी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, इसको बोलते हैं नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन इज प्रोसेस यूज टू डिफाइन द रूल्स एंड ऑन्टोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। अब नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है कि जो प्री डिसाइडेड रूल्स हैं, क्या प्री डिसाइडेड रूल्स, डेड रूल्स, किसी भी एक्टिविटी के नेचर ने ही प्री डिसाइडेड रूल्स बना रखे हैं, जैसे मैथ्स में रूल बने हुए हैं, साइंस में रूल बने हुए हैं, इस नेचर में ईच एंड एवरीथिंग का रूल बना हुआ है। तो ये प्री डिसाइडेड जो रूल्स हैं इनका फाइंड आउट करने को ही हम क्या कहते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि नॉलेज को ग्रहण करना, जो इनको फाइंड आउट करना कि कौन सा रूल के कारण ये हो रहा है, ठीक है। जब मैंने आपको बोला कि यहां पे हाथ को टच किया और दिमाग को तुरंत क्लिक हुआ, तो कौन से न्यूरो सिस्टम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और किस स्पीड से वर्क कर रहे हैं और कितना न्यूरो सिस्टम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये फाइंड आउट करने को ही नॉलेज एक्विजिशन बोलते हैं। क्लियर हुआ ना, किसी भी पार्ट के रूल्स को फाइंड आउट करके उसको अंडरस्टैंड करने को ही नॉलेज एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम, द फ्रेज वॉज द फर्स्ट यूज इन द कंजक्शन विद एक्सपर्ट सिस्टम टू डिस्क्राइब द इनिशियल टास्क एसोसिएट विद द डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम, नेमली फाइंडिंग एंड इंटरव्यूइंग द डोमेन एक्सपर्ट। यानी कि इनके जो डोमेन एक्सपर्ट है, जो डोमेन मतलब कि मूल रूप से उसके एक्सपर्ट है, उससे फाइंड आउट किया जाता है कि ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, ठीक है। इसके बाद सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल बोला गया, नॉलेज इज ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन मीनिंग सच एज सिमेंटिकली रिलेटेड कंसेप्ट आर इंटरकनेक्टेड। मीन्स के इन्होंने ये बोला है कि जो नॉलेज है, जो नॉलेज एक्विजिशन का अपन प्रोसेस देख रहे हैं, वो ये कह रहा है कि हर नॉलेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसकी एक्विजिशन की प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। और जो टिपिकली उसको उसमें बात बोली गई है, नॉलेज नेटवर्क आर टिपिकली रिप्रेजेंट डायग्राम एज अ नोड, यानी कि नॉलेज का जो नेटवर्क है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायग्राम एज अ नोड फॉर कंसेप्ट। कंसेप्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नोड, और लिंक होगा तो रिलेशनशिप, लिंक होगा तो रिलेशनशिप। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैथ्स कंसेप्ट है,
तो इसको क्या बोलेंगे, नोड। इतनी याद बात हो गई, नोड का मतलब तो वैसे गिठान होता है लेकिन यहाँ पे नोड, ठीक है। और इससे अगर कोई रिलेशनशिप में, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, ठीक है, हमने और कोई डेटा पढ़ा, हमने रिग्रेशन कोरिलेशन क्यूटीएम में पढ़ा, तो ये सारी की सारी क्या है, लिंक्स हैं, ठीक है। एक हो गई नोड, और इससे जो फॉर्मूला निकल रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला निकल रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, लिंक्स कहलाएंगे। इतनी सी बात है, ठीक है। नोड्स, लिंक और नॉलेज एक्विजिशन, ये तीन पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ रहा हूं, देखो वीडियो लंबा होगा क्योंकि डिटेल बहुत सारी है और मेरे को सभी पढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम है तो मैं आपको ऐसे कर दूं, ठीक है। अब ये जो नॉलेज की प्रोसेस है, नॉलेज एक्विजिशन की, कि नॉलेज कैसे ग्रहण किया जाएगा, इसकी प्रोसेस सेम है, केडीडी की भी प्रोसेस सेम है, लगभग सेम आती है, दोनों ही प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये नॉलेज एक्विजिशन की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमको कोई नॉलेज लेना होता है तो डेटा लेना होता है, डेटा। अब डेटा में भी दो टाइप है, आप सबको ऑलरेडी पता है डेटा के दो टाइप, एक है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कौन कौन से, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली कलेक्ट करता है, मतलब मैं खुद जाके अगर कोई डेटा कलेक्ट करता हूं तो वो प्राइमरी डेटा होता है, और अगर मैं किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर, रिसर्च आर्टिकल, बुक से अगर कोई डेटा विड्रॉ करता हूं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, पूरी जान से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं एमबीए में इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एडवांस लेवल पे अगर सेकंड सेम में, फोर्थ सेम में अपन को जाना होगा, अपन जाएंगे, लेकिन अभी थर्ड सेम के स्पेशली के लिए तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो समझ में आया, डेटा, डेटा इज ओनली अ फैक्ट्स एंड फिगर, आप यह कह सकते हो कि फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। उस डेटा निकालने के बाद में क्या करूंगा, उस डेटा को टारगेट डेटा में कन्वर्ट करूंगा। टारगेट डेटा का मतलब, जैसे कि मेरे को पता करना है कि पूरे यूपी के अंदर कितने परसेंट यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में, तो सबसे पहले मैं सारे यूथ के जो डेटाज हैं, इनकम रिपोर्ट है, वो कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन करने के बाद, डेटा कलेक्ट करने के बाद, उसमें जो मेरा टारगेट डेटा है, मीन्स कि मेरे को पहले तो ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए, इसके बाद मैं यूथ की बात कर रहा हूं, तो मैं 25 से लेकर 35 तक में जा सकता हूं, ठीक है। 25 to 35 की एज में कितने परसेंट डेटा है, कितने परसेंट बच्चे हैं, वो टारगेट डेटा हो गया। तो ये क्या हो गया, सिंपल फिल्टरिंग ऑफ आवर डेटा। इसके बाद क्या करूंगा, उस डेटा को प्रोसेस करूंगा, यानी डेटा को प्रोसेस करने का मतलब क्या है सर, डेटा को प्रोसेस करने का मतलब है उसको नॉलेज में बदलना, ठीक है। डेटा को प्रोसेस, इंफॉर्मेशन में बदलना, सॉरी, प्रोसेस करने का मतलब है कि उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो ये है क्या सर, जरा एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये डेटा है 2, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 8, ये एक काइंड ऑफ रो डेटा है, मैंने ये मान लिया। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, 2, 1 टाइम, 3, 2 टाइम, 5, 1 टाइम, 7, 3 टाइम, 8, 1 टाइम। तो ये डेटा से मेरे को पता चला ना कि 7 जो है वो हमारा क्या है, मोड है, बहुलक, यही को इंफॉर्मेशन कहते हैं, मतलब वही डेटा को मैंने प्रोसेस्ड किया, तो प्रोसेस डेटा ही इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक बार मैंने टारगेट डेटा ले लिया, इसके बाद उसको प्रोसेस्ड किया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म्ड किया। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब हुआ कि मैंने मेरे अकॉर्डिंग उसको फिल्टर किया, मैंने मेरे अकॉर्डिंग उस डेटा को बनाया, ट्रांसफॉर्म किया जिससे मैं समझ सकूं। एक तो वो डेटा हो सकता है वो ट्रांसफॉर्म में आप डाटा रिप्रेजेंटेशन भी ले लो कि उसको ग्राफ चार्ट बना के बताना, या उस डेटा में से इररिलेवेंट चीजें को हटा देना, वैसे वो डेटा माइनिंग की प्रोसेस में आता है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को भी अपन डेटा माइनिंग के अंदर भी बोल देते हैं। तो डेटा माइनिंग क्या है, इस सारे डेटा में से मेरा पसंदीदा डेटा और मेरे अकॉर्डिंग जो डेटा चाहिए वो डेटा माइनिंग कहलाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने इसका पैटर्न बताया और फिर ये नॉलेज बन गया। एक बार फिर शुरू करता हूं, अब नीचे इधर की पॉइंट, सिलेक्शन, प्रोसेसिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा माइनिंग, इंटरप्रिटेशन और नॉलेज। मींस कि कोई भी डेटा होगा उसको नॉलेज बनाना, नॉलेज बनाना मींस कि उसके रूल्स पता करना उसको, जैसे कि
आज सूरज देखा आपने, तो सूरज से आपको पता चला कि धूप लग रही है, थोड़ा सा रोशनी आ रही है, तो सूरज के बारे में जब आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि सूरज की किरणें कितनी होती है, सूरज का टेम्परेचर कितना होता है, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी गोल है, किस डिग्री में चक्कर लगाया जा रहा है, ये सारी की सारी प्रोसेस तक जब हम पहुंचते हैं तब हमको पता चल रहा है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है और उसका वैलिड रीजन ये है और ये उसका आइडेंटिफिकेशन है जो हमने डोमेन एक्सपर्ट से प्रूव कराए, इसी को ही नॉलेज बोला गया। लेकिन डेटा की परिभाषा ये थी कि किसी चमकते हुए सितारे से, किसी चमकती हुई चीज से हमें कुछ उष्मा लग रही है, यानी कि गर्मी लग रही है, ठीक है, हीट महसूस हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट, तो डेटा से प्रोसेस नॉलेज तक पहुंचने की प्रोसेस है, सेलेक्शन हुआ, प्रोसेसिंग हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर डेटा माइनिंग हुई, फिर इंटरप्रिटेशन हुआ, इंटरप्रिटेशन हमने हमारी लैंग्वेज में करा, डेटा माइनिंग में मतलब छांटने को भी डेटा माइनिंग बोलते हैं और इसी को हम ट्रांसफॉर्म डेटा भी बोल सकते हैं, फिर इसको पैटर्न को मतलब हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया कि हमने हमारे अकॉर्डिंग उसको जमा लिया, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, टेबुलर हो सकता है, कैसे भी, और फिर नॉलेज बेस में, अच्छा नॉलेज के बेस पर डिसीजन लिया जा सकता है, डेटा के बेस पर डिसीजन नहीं ले सकते। कैसे सर? ये जो मैंने आपको बना के बताया था ये आपका डेटा था, इसके बेस पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप इसी के बेस पे डिसीजन ले पाओगे कि आपका मोड क्या है, कौन सी आइटम आपके सबसे ज्यादा सेल हो रही है। मान लो 7 नंबर की आइटम सबसे ज्यादा सेल हो रही है तो किसका प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, 7 नंबर के आइटम की, क्यों? क्योंकि इसकी सेल ज्यादा है ना, या इसकी हम हाई प्राइस कर सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है नॉलेज के बेस पर डिसीजन। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। कौन सी टर्मिनोलॉजी है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज द रीजनिंग एंड द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेडिकेटेड टू रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज डायग्नोसिस, मेडिकल कंडीशन, हैविंग डायलॉग्स इन द नेचुरल लैंग्वेज। यानी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब नॉलेज एक्विज तो हो गया, नॉलेज आ तो गया कि समझ में आ गया कि सूरज ये है, भैया चक्कर लगा रहे हैं, है ना, चांद मामा ऐसे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें सब पता तो चल गया। लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करा जाए कि वो ह्यूमन के अंडरस्टैंड में आए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मशीन बेस्ड है, उसकी जब ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन के लेवल पे होगी तो उसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें ग्राफ हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज हो सकती है, राइट रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है इन द शॉर्ट, ठीक है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, जिससे नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जा सके, बताया जा सके। क्लियर हुआ ना? छोटे छोटे पॉइंट है देखो, लेकिन अपन को समझना जरूरी है। द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज के भी टाइप्स हैं, ठीक है, नॉलेज की भी आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट के एआई सिस्टम के इसमें काइंड्स हैं, या इसकी टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हो और इसके काइंड्स भी कह सकते हो, प्रकार तो वैसे मुझे लगे नहीं लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी लगे। फर्स्ट क्या कह रहा है? इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द एक्शन विच अकर इन अवर वर्ल्ड। जो भी इस दुनिया में घटित हो रहा है उसको क्या कहा गया है? इवेंट किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब टर्मिनोलॉजी, नॉलेज बेस में क्या कहा गया? इवेंट। तो पहले सबसे पहले चेक करा जाएगा कि इवेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसके नोट्स और लिंक्स बनाए जाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो प्री डिटरमाइनिंग फैक्ट है। प्री डिटरमाइनिंग फैक्ट क्या है? यूट्यूब क्या है? एक वेबसाइट है। मोबाइल में क्या है? फोन की टेक्नोलॉजी है। या आप प्री डिटरमाइनिंग फैक्ट कह सकते हो कि साइकिल के लिए दो पहिया होते हैं। चलो दो पहिया छोड़ो, साइकिल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन। दो पहिया एक पहिए की भी होती है, कोई तीन की भी होती है, ठीक है। और बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ऐसा बताया था। ऑब्जेक्ट का मतलब विच रूल्स आर फिक्स्ड। यदि कि बरगद का पेड़ लकड़ी का होता है, ठीक है, बेसिक। इससे सिंपल और क्या एग्जांपल लोगे? ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां भी दिया है गिटार कंसर्ट स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? परफॉर्मेंस। ये क्या कह रही है? परफॉर्मेंस इट डिस्क्राइब बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स नॉलेज अबाउट हाउ टू डू अ थिंग। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें परफॉर्मेंस का मतलब कोई कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि कोई काम को कैसे करा जाता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, यहां पे 2+2 अगर मुझे ऐड करना है तो 2, 1, 1 जोड़ूंगा, इसके बाद 4 आएगा, तो ये जो 1 और 1 2 times रिपीट हुआ है, इसी टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाएगा? परफॉर्मेंस बोला जाएगा। मींस के हाउ टू परफॉर्म, कोर्स ऑफ एक्शन को परफॉर्मेंस बोला गया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मेटा नॉलेज। वैसे नॉलेज को जानना ही मेटा नॉलेज कहलाता है, बट नॉलेज इज अबाउट व्हाट वी नो। देखो यहाँ पर इंग्लिश में वही लिखा है, नॉलेज को जानना ही मेटा नॉलेज कहलाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं थोड़ा सा आपको बुक के भी ऊपर लेके चलता हूँ, आपको रियल वर्ल्ड में लेके चलता हूँ। मेटा नॉलेज यानी कि जो फेसबुक ने मेटा निकाला है वो नॉलेज का भरमार है। मीन्स के नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा जब हम संग्रहित करते हैं, जो लार्ज लेवल पे संग्रहित करते हैं तो वो मेटा नॉलेज की श्रेणी में आता है। स्मॉल लेवल पे संग्रहित करते हैं तो उसको नॉलेज बोलते हैं। यानी कि बीकॉम कर लिया, पीएचडी कर ली तो वो नॉलेज है भैया, लेकिन पांच तरीके की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इतनी सारी डिग्री ले रखी थी तो वो मेटा नॉलेज की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सर्च इंजन पे हम जो सर्च कर रहे हैं, आप मेटा सर्च इंजन सर्च करना, इसके अंदर और वाइडर कैटेगरी है। गूगल एक सर्च इंजन है जो हमें नॉलेज देता है। अब मेटा सर्च इंजन आज सर्च करना, मैंने बोला मेटा सर्च इंजन, मजा आएगी। उस पर जो आपको नॉलेज मिलेगा वो एक डिफरेंट कैटेगरी, मीन्स के नॉलेज का भी अपर प्राइमरी, लेकिन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बुकिश लिखा जाता है जो हम जानते हैं। फैक्ट भी ऑब्जेक्ट की तरह होता है, फैक्ट आर द ट्रूथ, फ्रूट इन द रियल वर्ल्ड। सूरज जो है पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, सच है भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ल्ड पे काम करती है, हमारे अर्थ पे काम करती है, सच है भैया। मून पे भी काम करती है लेकिन थोड़ी वन फोर्स काम करती है, सच है भैया। ठीक है, अर्थ जो है वो सूरज का रोटेशन कर रहा है, सच है भैया। ठीक है, तो ये फैक्ट है। 24 आवर्स का वन डे है, ये भी सच है, तो दैट इज द फैक्ट। ठीक है, अब नॉलेज बेस, नॉलेज बेस का द सेंट्रल कंपोनेंट्स ऑफ द नॉलेज बेस इज द एजेंट ऑफ नॉलेज बेस, इट इज द रिप्रेजेंट ऑफ द केबी नॉलेज बेस। अच्छा, केबी ये वो वाला अपना कंप्यूटर वाला केबी नहीं है, नॉलेज बेस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नॉलेज बेस इज ए ग्रुप ऑफ द सेंटेंस, ग्रुप ऑफ द सेंटेंस मीन्स कि जब हम किसी फैक्ट को एक ग्रुप ऑफ द सेंटेंस या कोई डेफिनेशन को हम नॉलेज बेस बोल सकते हैं, जिससे हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं या मीनिंग कर पाते हैं, तो हम उसको क्या बोल पाते हैं, नॉलेज बेस। ठीक है, जैसे कि ये अगर मैं मार्कर बोल दूं और इसको बोल दूं डिजिटल मार्कर, इस बोर्ड के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया इसके अंदर, फैक्ट भी आ गया। लेकिन नॉलेज क्या है, नॉलेज बेस इसकी एक मीनिंगफुल कि भाई ये इतने का है, 20 रुपीज, अगर इसकी एक मीनिंगफुल डेफिनेशन में ड्रॉ कर पाता हूं तो वो कहलाता है नॉलेज बेस। कि दिस इज द मार्कर विच इज यूज फॉर द डिजिटल बोर्ड एज वेल एज द नॉर्मल बोर्ड एज वेल। नॉर्मल पे तो अभी किया नहीं है वैसे आज तक कभी, लेकिन नॉर्मल बोर्ड पे भी यूज हो जाता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया। तो नॉलेज बेस क्या है हमारा, उसका ही अनदर लेवल है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज के भी टाइप बता रखे हैं, हमारे एआई में ही टाइप है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे तो टाइप्स अलग आएंगे, और जब दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे तो टाइप्स अलग आएंगे। अब एआई में टाइप है डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब क्या है, जो नॉलेज विच नोज अबाउट समथिंग लाइक कंसेप्ट फैक्ट, ये किसमें आते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ये किसमें आते हैं, डिक्लेरेटिव, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जो ऑलरेडी फैक्ट फिगर्स होते हैं वो डिक्लेरेटिव नॉलेज। जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं। पहला टाइप ऑफ नॉलेज है डिक्लेरेटिव नॉलेज, डी से मैंने इसको लिख दिया। जो भी ऑब्जेक्ट फैक्ट फिगर सब आते हैं ये कौन से है, डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज यानी किसी के प्रोसेस के बारे में पता हो गया कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, गर्म पानी गर्म करोगे तो हवा में उड़ जाएगा, तो ये क्या हुआ, प्रोसीजरल नॉलेज। एक और डिस्क्रिप्शन नॉलेज, किसी प्रोसेस का मेरे को पता चल जाए तो वो प्रोसीजरल नॉलेज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा, कोई इतना परेशान। मेटा नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज का नॉलेज होता है वैसे, लेकिन हम जो चीज जानते हैं, व्हाट वी नो, इट्स कॉल्ड द मेटा नॉलेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया, देखो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज और मेटा नॉलेज, डीपीएम मैंने अभी तक कर दिया है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के अंदर, एक्सपर्ट को जो नॉलेज हो जाता है वो ह्यूरिस्टिक नॉलेज है ना। इस रूल्स ऑफ थंब मतलब वो क्या देते हैं, वो जैसे कि पाइथागोरस साहब ने उनकी खुद की प्रमेय दे दी, ठीक है, न्यूटन ने नियम दे दिया, तो ग्रेविटी का नियम दे दिया, तो ये क्या हुआ, इनका डिस्टिंग्विश यानी डोमेन एक्सपर्ट का जो नॉलेज होता है ह्यूरिस्टिक नॉलेज आता है, ह्यूरिस्टिक। ठीक है, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नॉलेज। अब एक तो अपन ने प्रोसीजर पढ़ा था, और स्ट्रक्चर नॉलेज इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज। इसको जैसे एक प्रोसेस में तो मैं किसी प्रोसेस के बारे में जानता हूं, लेकिन जब कोई एनालिटिकल स्किल डेवलप्ड होती है कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो स्ट्रक्चर नॉलेज। तो अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं, डी पी एम एच और एस। ठीक है, अगला नहीं, बस इतने ही टाइप थे। ठीक है, तो डीपीएम
HS, तो इसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, DP तो अपना रही जाएगा, DP और MSH कर लो या MHS भी, दोनों ही याद रख लेना, कोई शॉर्ट फॉर्म नाम वर्ड बन रहा हो तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके, यहाँ तक ही रहने देते हैं। आर्टिफिशियल का, इसकी हिस्ट्री का अपन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग से मैं शुरुआत करूंगा, 1950 से शुरू हुई है इसकी हिस्ट्री, ठीक है, आगे आ जाएगा, इसको मैंने लिखवाया भी था। हाँ, 1959 में आर्थर साहब ने इनको शुरू किया था, तो वहां से अपन शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मशीन लर्निंग की हिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी तक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई नहीं आई, फील फ्री टू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।